हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और करेंट अफेयर्स के जो भी टॉप क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपका जो मंथली मैगजीन होते हैं मार्केट में, जो आपके टॉप मंथली मैगजीन है उन पर आधारित है। तो जैसे मैगजीन में आपका होता है कि अगर वो मैगजीन मार्च में आ रहा है तो उसके ऊपर जो उसका नेम होता है वो 1 महीने बाद का होता है। तो उसी तरीके से ये जो है आपका रखा गया है, ये मार्च महीने का मैगजीन है और उसका जो हेडिंग है वो आपका अप्रैल 2024 है। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ से हेल्प जरूर मिलेगा। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है असम, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है वो यूसीसी लागू कर दिया गया। यूसीसी मतलब कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा जो है वहाँ के जो विधानसभा है वहाँ पे ये नियम पारित कर दिया गया है, जो विधेयक है उस विधेयक को पारित करवा लिया गया है। और इस तरह उत्तराखंड जो है वो आज़ादी के बाद पहला ऐसा राज्य बना है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करवाया है। तो ये काफ़ी एक अच्छा करेंट अफेयर्स है और इससे जो है काफ़ी सारे प्रश्न का निकल के आते हैं। एक चीज़ आप इसे और समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर यूसीसी होता क्या है। देखो, यूसीसी में का जो मतलब है समान नागरिक संहिता, यहाँ पे जो समानता है, समानता की बात की जा रही है, चाहे वो समानता आपका लिंग के आधार पे हो, ठीक है, जेंडर के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, सभी चीज़ में जो है समानता रखने की बात की गई है। इसमें बोला ये गया है कि सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत के लिए समान कानून का प्रावधान होगा, ठीक है, और साथ ही महिला एवं पुरुषों के लिए समान अधिकार का भी प्रावधान इस कानून के अंतर्गत बताया गया है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है वो आपका अनुच्छेद 24 में भी 44 में भी की गई है, जो भारतीय संविधान है उसके, भारतीय संविधान के आर्टिकल 44। और ये किस पार्ट में है? तो संविधान के भाग चार जो आपका नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो है ये बात की गई थी कि राज्य जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेंगे। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये लागू किया गया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि यहाँ पे हम ऐड करना पड़ा है स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। कारण ये है कि स्वतंत्रता के पहले ही जो है गोवा में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि पुर्तगाली जो है पहले गोवा पे शासन कर रहे थे, तो पुर्तगालियों ने जो है ये पहले ही लागू कर रखा था और वहाँ अभी भी जो है समान नागरिक अधिकार का जो नियम है वो लागू है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा लागू किए गए समान नागरिक संहिता 2024 में किस वर्ग को बाहर रखा गया है? ऑप्शन है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम वर्ग या यहूदी वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अनुसूचित जनजाति है, अर्थात जो एफरी है, आदिवासी ट्राइब के जो लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को यूसीसी से बाहर रखा गया है। तो ये फैक्ट जो है आपको याद रखना होगा। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर जो है वो भी उत्तराखंड ही होगा। एक्चुअली ये जो आपका यूसीसी कानून है उसके अंतर्गत ये भी बोला गया है कि जो लिव एंड रिलेशनशिप है उसे हम वैलिड दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि जो नियम कानून है वो कड़े रखे गए हैं। कोई भी कपल जो है वो 1 महीने से ज़्यादा बिना रजिस्ट्रेशन के वो नहीं रह सकते हैं, और अगर उनके द्वारा कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो उसमें जो है उस संतान को उसके पिता के जो भी संपत्ति है उसमें उसको जो है अधिकार प्रदान किया जाएगा, अर्थात जो भी पैतृक संपत्ति होगा उसमें उस बच्चे का भी अधिकार होगा। तो ये सारी चीज़ जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में बताई गई है। आगे, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे
हेमंत सोरेन, उन्हें क्या है कि ईडी के द्वारा जो है प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जमीन की धोखाधड़ी के मामले में जो है उनके ऊपर समन था और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है ईडी के द्वारा, उसके बाद जो है झारखंड में एक नए मुख्यमंत्री की तलाश थी और उस जगह को जो है वो चंपई सोरेन के द्वारा पूरा किया जाता था। झारखंड के नए मुख्यमंत्री जो है वो चंपई सोरेन बनते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये चंपई सोरेन कौन है? तो चंपई सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन की सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो उनकी सरकार में ये परिवहन मंत्री रह चुके हैं, ये ध्यान में रखना। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो चंपई सोरेन है वो झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं, 12वें मुख्यमंत्री है। और इनको जो है शपथ किसने दिलाई है? तो इन्हें शपथ जो है राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन के द्वारा दिलाई गई है। कई बार प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्हें शपथ किसने दिलवाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन के द्वारा जो है इन्हें शपथ दिलाई गई है। वहीं अगर बात करें झारखंड के विधानसभा की, तो यहाँ जो है टोटल 81 विधानसभा की सीटें हैं और उसमें बहुमत के लिए 42 चाहिए था, लेकिन जो चंपई सोरेन की सरकार है उसने जो है 43 सीट का दावा जो है वो पेश किया है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है अपनी गवर्नमेंट बनाई है। अगला प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड ये अभी काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो उसके बाद से ये काफी चर्चा में है। तो याद रखिएगा चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत जो है वो 2018 ईस्वी में की गई थी और इसके तहत प्रावधान ये था कि चुनावी बॉन्ड अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है अगर किसी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को वो अगर डोनेट करना चाहता है, पैसे देना चाहता है, तो वो पहले क्या करेगा कि एसबीआई बैंक से जो है वो बॉन्ड खरीदेगा और उसे ही चुनावी बॉन्ड का नाम दिया गया था। तो बॉन्ड कितने का होगा? तो वो बॉन्ड जो है वो 1,000 रुपये का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 1 लाख का हो सकता है और 1 करोड़ रुपये तक का वो बॉन्ड हो सकता है। तो इसी मल्टीपल में जो है वो बॉन्ड खरीदा जाता था। तो इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि ये बैन होना चाहिए क्योंकि ये जो है संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। और ऐसा जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग देखा गया है कि जिन जिन कंपनियों के ऊपर ईडी के अगर छापा पड़ रहा था तो उन कंपनियों ने जो है वो उन कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदा और जो है पार्टी को दिया और फिर उस कंपनी को जो है वो अलग से किसी दूसरे जो प्लान था उस या फिर जो भी प्रोजेक्ट था तो उसमें अलग से उसको टेंडर मिल जाता है। जैसे एक कंपनी के द्वारा अगर 140 करोड़ रुपया जो है 140 करोड़ रुपए का अगर चुनावी बॉन्ड दिया जा रहा है तो उस कंपनी को फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जो है 1,400 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया गया। तो इस तरीके से जो है वो एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें बताया गया कि काफी धोखाधड़ी जो है वो हुई है। तो बस आपको याद रखना है कि चुनावी बॉन्ड योजना जो है 2018 में शुरू किया गया था और ये इसमें जो है चुनावी बॉन्ड की खरीद सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा से ही की जा सकती थी और यह 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के जारी होते थे। अगला प्रश्न है, मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS का प्रक्षेपण किया गया तो ये किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया है, किस रॉकेट के द्वारा किया गया? ऑप्शन है PSLV C-58, GSLV F-14, PSLV C-56 और GSLV F-12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा GSLV F-14, जो ग्लोबल सेटेलाइट जियो सॉरी जो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा। ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल उसका F-14 जो वर्जन है उसके द्वारा जो है ये मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS का प्रक्षेपण किया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है इनसैट 3DS ये किस प्रकार का उपग्रह है, तो ये आपका मौसम अवलोकन उपग्रह है। और इसका प्रक्षेपण किया कहाँ से गया है? तो इसका प्रक्षेपण जो है वो श्रीहरिकोटा सतीश धवन जो केंद्र है वहां से किया गया है। इसके अलावा इसरो जो है एक और चीज के लिए भी चर्चा में था। इसरो ने हाल ही में क्या किया है कि कार्टोसैट 2 जो कि एक निष्क्रिय उपग्रह था उसको जो है वापस अंतरिक्ष से
पृथ्वी की कक्षा मिलाया और उसे हिंद महासागर में गिरा दिया गया है, तो इस के लिए भी जो है चर्चा में था। एक्चुअल में क्या है कि जो भी उपग्रह अंतरिक्ष में निष्क्रिय हो जाते हैं उन्हें बोला जाता है डिबरी, ठीक है। तो जैसे कचरा बोलते हैं वैसे अंतरिक्ष कचरा को बोला जाता है डिबरी, और उन डिबरी को जो है वो हटाने का प्रोविजन जारी किया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसरो के द्वारा ये काम किया गया है, और उसने जो है जो निष्क्रिय उपग्रह कार्टोसैट 2 था उसको सफलतापूर्वक जो है वो हिंद महासागर में गिराया है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में भारत के कितने नए आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन है 5, 8, 6 या 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। फरवरी 2024 में जो है वो 5 नए वेटलैंड को शामिल किया गया है, ठीक है, 5 नए वेटलैंड। अब बात ये फरवरी में ही क्यों किया गया, तो एक चीज आप और याद रखिएगा, 2 फरवरी को जो है वो वेटलैंड डे मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो उसी के अवसर पे जो है कई सारे जो वेटलैंड है उन्हें इसमें सूचीबद्ध किया गया है, उसमें भारत के जो है वो 5 वेटलैंड है। और ये 5 वेटलैंड कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु के 2 वेटलैंड है, एक है कराईवेटी पक्षी अभयारण्य और दूसरा है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट, ये दोनों आपका तमिलनाडु के है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया गया कराईवेटी पक्षी अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है, तो वो तमिलनाडु में स्थित है। लॉन्गवुड और सोलर रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ स्थित है, तो ये भी जो है तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा कर्नाटका के 3 वेटलैंड को शामिल किया गया है, एक आपका हो गया मग्दीकेरे संरक्षण रिजर्व, दूसरा है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और तीसरा है अधनाशिनी मुहाना। तो इन तीनों को, ये तीनों है कहाँ के, तो ये तीनों जो है कर्नाटका में स्थित वेटलैंड है, और इन तीनों को जो है वो आपका रामसर स्थल के श्रेणी में शामिल किया गया है। तो आप इन तीनों का भी नाम जरूर याद रखें, मग्दीकेरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व और अर्धनाशिनी मुहाना, ये तीनों आपका कर्नाटका में स्थित है। आगे पूछ रहा है कि फरवरी 2024 के अंत तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गया, जो इन 5 जो अभी हाल में ऐड किए गए इसके बाद जो है टोटल कितने रामसर स्थल हो गए, ये पूछा जा रहा है। तो देखो अब जो भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या है वो बढ़ के 80 हो गई है, ठीक है, कितना हो गया 80। और इन 80 में देखें तो ये जो है जितना इनका जो कुल क्षेत्रफल हो गया है वो हो गया है अब 13.3 मिलियन हेक्टेयर का हो गया है। वही चीज आगे बताई गई है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, और रामसर शहर जो है वो आपका ईरान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक रामसर स्थल भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में है टोटल जो है अब 16 जो है वो आपका वेटलैंड हो गया, कितनी 16 जो है वो वेटलैंड हो गया आपका तमिलनाडु में, और 10 जो है वो उत्तर प्रदेश में हो गया। वहीं उड़ीसा और पंजाब में जो है वो 6-6 वेटलैंड स्थित है। और इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना, ये काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, किस राज्य में है और कितनी है, तो टोटल जो है 80 है और 80 में से 16 जो है वो आपका तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, गगनयान अपनी पहली उड़ान में कितनी भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा? ऑप्शन है 4, 3, 2 और 5। देखो हाल में चर्चा में इसलिए था क्योंकि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अभी 4 जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें जो है उनके जो ड्रेस कोड है उसे जो है इनॉग्रल किया गया है, ठीक है। तो लेकिन 4 को इनॉग्रेट किया गया है, लेकिन बात अगर की जाए कि उसमें कितने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे, तो उसमें जो है 3 अंतरिक्ष यात्री ही जो है वो अंतरिक्ष में जाएंगे, और 3 दिनों के लिए जाएंगे, 3 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री ही जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही आपको 4 मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि गगनयान के द्वारा जो है जो पहला इसका चरण है उसमें 3 अंतरिक्ष यात्री ही अंतरिक्ष में जाएंगे। आगे है कि
चारों का यहाँ पे नाम दिया गया है जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, जैसे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो इन चार का जो है वो अभी नाम बताया गया है, लेकिन इसमें से तीन ही जो है वो गगनयान की पहली उड़ान में जाएंगे। आगे है कि 1984 में जो है राकेश शर्मा ने वो पहले भारतीय बने थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे, और वो किस देश की सहायता से गए थे, तो जो रूसी मिशन था सुयोज 11, उसके द्वारा जो है वो अंतरिक्ष में गए थे। तो याद रखिएगा 1984 में राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष में, और ये भारत के पहले व्यक्ति बने थे जो अंतरिक्ष में गए। अगला, सिनेमा जगत की सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? देखो, और जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है इसके तहत जो है पहले 10 लाख की राशि जो है वो दी जाती थी, और इसे अब बढ़ाकर जो है वो कर दिया गया है 15 लाख रुपये। ठीक है, तो याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के प्राइस के अंतर्गत जो है कुल 15 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। इसके अलावा इस में जो है कुछ और नामों में परिवर्तन किया गया, जैसे जो पहले दिया जाता था इंदिरा गांधी पुरस्कार, अब उस पुरस्कार को बोला जाएगा निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म, और इसके लिए जो है 3 लाख रुपये जो है प्राइज मनी दिए जाएंगे। वही पहले जो है नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता था, अब उसका नाम चेंज करके जो है राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कर दिया गया है। तो इस तरीके से पुरस्कारों के नामों में भी कुछ परिवर्तन यहाँ पे किए गए हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है अबू धाबी, दुबई, दोहा और शारजहां। देखो, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है वो आपका 2024 का किया गया है इस बार दुबई में। ठीक है, ये हर एक साल आयोजित होने वाला एक सम्मेलन है, और इस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की जाती है कि भविष्य में जो है सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के पास जो है वो किस प्रकार का प्लान है। तो वो अपना अनुभव जो है यहाँ पे साझा करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, और ये हर साल जो है वो दुबई में ही आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट को आप याद रखिएगा, और इस बार का जो थीम था वो था भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ये इस बार का थीम था। आगे की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे, अर्थात गणमान्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, यानी यानी और जयवान किस देश की डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। देखो, अभी चूंकि ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट था इस में पार्टिसिपेट करने के लिए नरेंद्र मोदी गए हुए थे आपका संयुक्त अरब अमीरात, और वहाँ पे जाने के बाद जो है कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, और उसी में से एक ये था कि भारत का जो यूपीआई है और रुपे कार्ड है, ठीक है, यूपीआई और रुपे कार्ड, इसे जो है यूएई में मान्यता दिया जाए। तो उनके द्वारा भी एक कंडीशन रखा गया कि आप भी जो है हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यानी और जैवान, इसे भी आप अपने देश में जो है मतलब भारत में इसको जो है वो मान्यता प्राप्त कीजिए डिजिटल भुगतान के लिए। तो दोनों में ये सहमति यहाँ पे हुई है। वही बात यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय रुपी कार्ड और यूपीआई कोड को यूएई में स्वीकार किया गया है, और इसमें फिर आगे बताया गया है कि दोनों देशों के बीच का रिलेशन जो है वो कितना अच्छा है। यूएई जो है भारत आज के डेट में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है, साथ ही सबसे सातवां जो है सबसे बड़ा निवेशक भी आज के डेट में यूएई हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार कि यूएई की कुल जनसंख्या में जो जो भारतीय प्रवासी है उन भारतीय प्रवासियों की कुल संख्या जो है वो 35%, और ये काफी एक बड़ी बात हो जाता है। किसी देश की कुल जनसंख्या में 35% भारतीय प्रवासी का होना एक काफी बड़ा जो है वो काफी बड़ा अहम रोल दिखाता है कि उस देश में भारतीय जो है किस लेवल पे अपना जो है वर्चस्व बनाए हुए है, और इसीलिए आप देखो कि कई सारी वहाँ पे फैसिलिटी शुरू किया जा रहा है, जैसे सीबीएसई जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसकी एक जो ऑफिस है वो आपका दुबई में खोला जाएगा, फिर आईआईटी दिल्ली का जो एक जो कैंपस है वो अभी अबू धाबी में खोला गया है,
और यूएई के द्वारा जो है नरेंद्र मोदी को 2019 में जो है ऑर्डर ऑफ जायद से भी सम्मानित किया गया है, जो वहां का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है वो भी जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, एशिया का नहीं बल्कि पश्चिम एशिया का, ठीक है, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान या कतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। और इसमें भी अगर पूछा जाए कहाँ, तो ये आपका अबू धाबी में हुआ है, ठीक है, अबू धाबी में जो है एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थापित किया गया है। आगे, अभी वो अबू धाबी में विशाल हिंदू मंदिर किस मंदिर शैली का उदाहरण है? नागर शैली, रोबर शैली, बेसर शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागर शैली। जो अबू धाबी में विशाल हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया है वो नागर शैली में बना हुआ है, और इसे बनाने का जो काम किया गया है वो किया गया है BAPS के द्वारा, जिसने जो है दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर बनाया है उसी के द्वारा जो है ये आपका अबू धाबी का जो हिंदू मंदिर है वो भी बनाया गया है। और ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में जो है वहाँ पे हिंदू मंदिर बनाने को अलाउ करना, ये काफ़ी एक बड़ी बात और प्रशंसनीय बात भी हो जाती है। और इस मंदिर का जो उद्घाटन था वो नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। आगे, हाल ही में किस देश में अहलान मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो देखो यहाँ पूछा जा रहा है किस देश में, तो देश में आपका हो जाएगा यूएई, यूएई में जो है वो आपका किया गया था। लेकिन अगर आप शहर की बात करें तो ये आपका जो है अबू धाबी में ऑर्गेनाइज हुआ था, अहलान मोदी। अहलान का मतलब होता है हेलो मोदी, अहलान का मतलब होता है हेलो। तो हेलो मोदी कार्यक्रम जो है वो आपका यूएई के अबू धाबी शहर में आयोजित किया गया था। आगे, भारत म्यांमार सीमा के बीच अंतर्राष्ट्रीय भारत म्यांमार सीमा भारत म्यांमार के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कितने किलोमीटर की है? तो ये आपका 1643 किलोमीटर की है, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो भारतीय गवर्नमेंट है, गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा ये बोला गया है कि हम जो है जो अभी तक भारत म्यांमार की जो सीमा ओपन सीमा थी, खुली सीमा थी, उस सीमा को जो है हम लोग बंद करेंगे, और साथ ही इसको जो है हम लोग अब सील भी करेंगे, मतलब कि इसके ऊपर जो हम लोग बाड़ा भी लगाएंगे, उसे जो है बाउंड्री जो है भारत म्यांमार सीमा की उसको जो है अब बंद करने की बात की जा रही है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो मुक्त व्यवस्था है उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा था, ठीक है, वहाँ पे ड्रग्स वगैरह का सप्लाई ज़्यादा हो रहा था, और साथ ही जो है आतंकवादी गतिविधियाँ भी वहाँ पे बढ़ी थी। मणिपुर से भी ये जो है म्यांमार की सीमा लगती है, और आपने हाल में देखा होगा कि मणिपुर में भी जो है हिंसात्मक घटनाएं हुई है, हालांकि उसमें जो है अलग रीजन था, लेकिन उसको बढ़ावा देने में भी जो है बाहरी जो ताकतें थी उसका रोल देखा गया था। तो ये भी याद रखिएगा, भारत और म्यांमार के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन कौन से राज्यों से लगती है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, चार ऐसे भारतीय राज्य हैं जो भारत और म्यांमार के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। और टोटल जो है लंबाई कितनी है? तो वो आपका 1643 किलोमीटर की लंबाई है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है IMF, वर्ल्ड बैंक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जर्मनी की एक संस्था है, और इसके द्वारा जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है, इसे CPI भी बोला जाता है। आगे है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI 2024 के अनुसार सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है? ठीक है, सबसे कम भ्रष्टाचार देश के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन है फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। देखो इसमें क्या होता है कि 0 से 100 तक का जो है वो स्कोर दिया जाता है, और इसमें जो देश को स्कोर सबसे ज़्यादा दिया गया है वो उस देश में जो है भ्रष्टाचार सबसे कम होगा, तो डेनमार्क को जो है वो 90 स्कोर दिया गया है, और ये सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है। टोटल जो है इसमें 180 देशों को रैंक किया गया है।
वहीं अगर बात करें भ्रष्टाचार बहुल सूचकांक में सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक भ्रष्टाचार जो है वो आपका पाया जाता है सोमालिया में, और इससे जो है 180वां रैंक प्राप्त हुआ है। और यहाँ जो इसका स्कोर दिया गया है वो मात्र 11 दिया गया है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत को जो है इसमें जो रैंक दिया गया है वो आपका दिया गया है ऑप्शन जो है 85, 93, 76 और 26 है। और भारत को जो रैंक मिला है वो मिला है आपका 93, ठीक है, 93 रैंक किया गया है। और इसी जो टोटल जो स्कोर दिया गया है भारत को वो दिया गया है 39, मतलब 100 में से 39 स्कोर जो है वो भारत को प्राप्त हुआ है। वहीं अगर भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो 26वें नंबर पे आपको भूटान मिलेगा, मतलब भारत के पड़ोसी देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार जो है वो भूटान में है। उसके बाद जो है वो चीन का जो रैंक दिया गया है वो आपका 76वां रैंक दिया गया है, 76वें स्थान पे चीन है। उसके बाद भारत आता है 93 नंबर पे। उसके बाद बाकी के जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार जो है वो भारत से ज़्यादा ही बोला जा रहा है, जैसे नेपाल में 100, नेपाल जो 108वें नंबर पे है, 115वें नंबर पे आपका श्रीलंका है, और बांग्लादेश जो है 149 पे है। म्यांमार की अफगानिस्तान की बात करें तो 102, 162 नंबर पे आपका जो है अफगानिस्तान है, और म्यांमार जो है म्यांमार भी जो है 162वें नंबर पे ही आपका यहाँ पे आता है भ्रष्टाचार में, जो इसका भी जो रैंक है वो आपका 162वें नंबर पे है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है 133वें स्थान पे भ्रष्टाचार सूचकांक में आता है, सीपीआई में जो है इसका रैंक जो है वो 133 है। और वहीं भारत की बात करें तो ये जो है 93 नंबर पे है। देखते हैं आगे, आगे पूछा जा रहा है कि किस देश की पहली निजी कंपनी ने चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान ओडिसियस उतारा है, ठीक है, पूछा जा रहा है किस देश की पहली निजी कंपनी है। देखो अभी तक चंद्रमा पे जो है वो देश जा रहे थे, वहां पे कोई कंपनी नहीं जा रहा था, कोई प्राइवेट कंपनी अभी तक चंद्रमा के सतह पे कोई भी अपना अंतरिक्ष यान लैंड नहीं कर पाया था, लेकिन पहली बार जो है एक अंतरिक्ष यान ओडिसियस वो जो है लैंड करवाया गया। तो पूछा वही जा रहा है कि ये जो है किस देश की निजी कंपनी के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है अमेरिका के निजी कंपनी के द्वारा, और उस कंपनी का जो नाम है वो है इंटुएटिव मशीन्स। इंटुएटिव मशीन्स के द्वारा ये जो है कारनामा किया गया है, और इसने जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर पे अपना जो है वो जो लैंडर है उसको लैंड करवाया है, ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसका नाम क्या है, तो वो उस लैंडर का नाम है ओडिसियस, तो याद रखिएगा। इसके अलावा भी हाल ही में जापान का जो मून लैंडर था स्लिम, ये भी जो है वो लैंड करने में सफलता प्राप्त किया था, हालांकि ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाया था, लेकिन हाँ लैंड करने में ये सफलता प्राप्त की थी। और आपको मालूम होगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार लैंड करने वाला जो देश बना है वो अपना भारत बना है। अगला है, नौमा रायसीन संवाद 2024 के मुख्य मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन है ओलाफ स्कोल्स, जॉर्जिया मेलोनी, क्वारिकोस मितियोताकिस या एंथनी एलवानीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ग्रीस या यूनान की जो प्रधानमंत्री है क्यारिकोस मित्सोताकिस, इन्होंने जो है वो जो रायसीना डायलॉग है उसके मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे शामिल हुए थे, और इन्होंने उद्घाटन सत्र को जो है वो संबोधित किया था। देखो जो रायसीना डायलॉग है वो आपका जो है हर साल दिल्ली में आयोजित किया जाता है, और इस बार जो है 115 देशों के लगभग 2500 से अधिक प्रतिभागी जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इस बार का जो थीम था वो था चतुरंगा। चतुरंगा में चार चीजों के बारे में बात की गई थी, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। इन चार टॉपिक के ऊपर जो है जो थीम था इसके ऊपर ये आधारित था। वहीं अगर बात करें रायसीना डायलॉग की, तो ये जो है भारत के विदेश मंत्रालय और जो एक थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन उसके द्वारा जो है आयोजित किया जाता है, और ये 2016 से आयोजित किया जा रहा है। अगला है, अंतरिक्ष में सर्जरी करने वाला पहला रोबोट कौन बना है। तो अंतरिक्ष में सर्जरी करने वाला पहला रोबोट जो है वो मीरा बना है। मीरा का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर इन वीवो रोबोटिक असिस्टेंट। इसके द्वारा क्या है अंतरिक्ष में
जो है सर्जरी किया गया, और उसका जो कमांड है वो पृथ्वी पर से दिया जा रहा था, और ये यूएसए के द्वारा जो है ये कारनामा किया गया, नासा के द्वारा ये जो है ऑपरेट किया जा रहा था। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष में सर्जरी करने वाला पहला रोबोट जो है वो मीरावनी है। और अभी हाल ही में चर्चा में था आयरिस। आयरिस जो है वो भारत में पहली जो है ह्यूमनाइड रोबोट टीचर है, ठीक है, ये क्या है, रोबोट टीचर है, और इसे जो है वो केरल गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला, सातवां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या बांग्लादेश, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जो है सातवां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। देखो ये चीज ध्यान में रखना, कभी कभी क्या है आपको 2024 ना देगी, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, पर्थ। और इस बार के जो इसका थीम था वो था अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर, और इसका जो पहला आयोजन हुआ था वो हुआ था 2016 में। अगला है, नायब बुकुले को किस मध्य अमेरिकी देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन है अल सल्वाडोर, पनामा, ग्वाटेमाला या कोस्टा रिका। इसका सही आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं नायब बुकुले, नायब बुकुले, तो ये आप याद रखिएगा। और ये कौन सा देश है? तो ये मध्य अमेरिका का देश है। एक्चुअली मध्य अमेरिका में 7 देश जो है वो शामिल होते हैं, बेलीज, कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, निकारागुआ और पनामा। वहीं अल सल्वाडोर की जो राजधानी है वो है आपका सान सल्वाडोर। अगला है, लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनेस्को, यूनिसेफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर या द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की जो संस्था है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, उसके द्वारा जो है ये 2006 से जारी किया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? देखो ये जारी किया गया है फरवरी 2024 में, ठीक है, फरवरी 2024 में जारी किया गया, लेकिन जो इंडेक्स है वो आपका इंडेक्स 2023 का ही है, तो आप नाम जो है क्लियर याद रखना, लोकतंत्र सूचकांक 2023। और इस पूछा जा रहा है इसमें शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो शीर्ष स्थान पे जो इसमें नॉर्वे था, ठीक है, नॉर्वे पहले स्थान पे था, उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका न्यूजीलैंड, और थर्ड नंबर पे जो है आपका आइसलैंड है। आगे है, लोकतंत्र सूचकांक 2023 में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश रहा है? ऑप्शन है म्यांमार, अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, साउथ अफ्रीका गणराज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो आपका सबसे निचले स्थान पे है, और इसे जो है 167वां रैंक दिया गया है। वहीं इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा म्यांमार, इसे 166वां रैंक दिया गया है। वहीं अफगानिस्तान जो है वो एशिया में सबसे निचले स्थान पे आपका आता है, एशिया में सबसे निचले स्थान पे आता है, और इसका रैंक जो है 167 है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2023 में सबसे निचले स्थान पे कौन सा हो जाएगा? तो अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। साउथ अफ्रीकी गणराज्य की बात करें तो ये आपका 164वें नंबर पे है, ठीक है, ये कितने नंबर पे है, 164वें नंबर पे है, और अफगानिस्तान 167 नंबर पे है। आगे, लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखो इसमें जो है भारत को जो स्थान दिया गया वो दिया गया है 41वां, 41वां स्थान भारत में दिया गया है, और भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे अच्छा जो रैंक है वो भारत का ही दिया गया है। लेकिन इसमें क्या है कि जिनका स्कोर जो है इसमें 0 से 10 तक का स्कोर दिया जाता है, और जिनका स्कोर 8 से ऊपर होता है उनको जो है बोला जाता है अच्छी लोकतंत्र वाला देश, और जिनका स्कोर जो है 8 से नीचे होता है, 8 से 6 के बीच में होता है, उसे बोला जाता है दोषपूर्ण लोकतंत्र वाला। और भारत का जो स्कोर है वो 7.18 है, और ऐसे में भारत को जो है दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखिएगा भारत का जो रैंक है वो आपका 41वां है, और भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें हम लोग देखें, बाकी के जो प्रश्न है वो हम लोग जो है आगे की वीडियो में देखेंगे, और
आगे की वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स देखेंगे। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट के प्रश्न होते हैं, नियुक्तियां, वो हम लोग देखेंगे। साथ ही एवार्ड हो गया, एवार्ड डे एंड डेट, विविध मतलब विविध के जो भी प्रश्न है उन सभी को जो है हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। देखो एक ही सेशन में कराने पे क्या होगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आपको जो है ये इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग आगे के जो भी टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स से लेके आगे के जो भी टॉपिक होंगे उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे जो है अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।